में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं पंचायत समिति पहुंची, विकास अधिकारी को खरी कोठी सुनाई। इस दौरान उन्होंने जमकर बवाल काटा। महिलाओं ने बताया कि गांव में टंकी बनी होने के बाद भी 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। राजसमंद में महिला मंच समेत अन्य संगठनों ने महिला अत्याचार के संबंध में राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल, हितदेश के उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में आरोपियों को छोड़ने का विरोध किया, साथ ही सभी आरोपियों की फिर से सजा की मांग की। सभी संगठनों ने ज्ञापन सौंपने से पहले रैली भी निकाली। हाँ, एक तो कि जो बिल्किस बानो, जिसको कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तब जो उस वक्त दंगों में जो बिल्किस बानो महिला थी, उसके परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया था और उसके सामने उसकी 3 वर्ष की बेटी का भी कत्ल कर दिया गया था। और वो जो महिला थी, उसके अपराधियों को, जो 14 अपराधी थे, उनको 2008 में सजा मिली, लेकिन अभी 15 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और उन अपराधियों को अभी थोड़े दिन पूर्व अगस्त में सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से एक वर्ग ने उनका सत्कार किया, सम्मान किया, वो देखकर हम सब लोग जो भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनके लिए काम करते हैं, पूरा देश उसके लिए हतप्रभ रह गया। खुद जो बिल्किस बानो है, वो खुद भी इसमें परेशान थी कि ये कैसे हो गया। वो तो न्याय पे विश्वास रखती है, हम भी न्याय पे विश्वास करते हैं, लेकिन इस तरह का होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण, हमने ये नज़ारा देखा।